वालेकुम। तो यार दोस्तों, बिस्मिल्लाह से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और खैर ऐसे होंगे। तो यार दोस्तों, सबसे पहले यार आज हमने मछलियों के पानी बदलना, क्योंकि इतने दिनों से उनका पानी नहीं बदला, तो आज इनका पानी बदलते हैं। यार दोस्तों, कितना ज़्यादा गंदा पानी है हुआ है इनका। तो इस तरह ना ये ऊपर ही ये लगा के इस तरह करके ना इनका ये पानी में गिरा देता हूँ। तो ये देखें यार दोस्तों, पानी साफ हो गया। तो कितनी प्यारी लग रही है मछलियाँ भी और अंदर पानी भी। दोस्तों देखिए, आज पूरा मौसम बादल वाला हुआ है और हर तरफ बादल ही बादल है। हो सकता है कि आज बारिश हो जाए। यार दोस्तों, इन चीज़ों को खोल लेते हैं, चीज़ों को खोलते हैं। देखिए यार दोस्तों, फीड डाल दी है। यार दोस्तों, इनको मैंने किचन वेस्ट डाला है और कितने खुश होके खा रहे हैं। और एक चूजा वो देखे वहाँ अंदर केज के अंदर चला गया है। ये अपनी मर्जी से अंदर भी चले जाते हैं, बाहर भी आ जाते हैं। मैंने चाय की पत्ती और एलोवेरा काट के इनको डाली है। ये बहुत ज़्यादा खुश होकर खा रहे हैं। तो अभी यार दोस्तों, प्राली चेंज करते हैं। देखें कितनी ज़्यादा गंदी हो गई हुई है। तो ये देखें, अब इनकी प्राली चेंज करके नई प्राली डालते हैं वो वाली। तो सबसे पहले ये वाली प्राली बाहर निकालते हैं। ये देखे ना कितनी ज्यादा गंदी हो गई है। इस तरह इसको सारा वो बाहर गिरा देते हैं और यहाँ से इसको हटाते हैं। तो सामने से ये चीजें भी हटा के ना यार दोस्तों, और यहाँ के बोकर मार के तो सारा साफ कर देते हैं। तो ये करते हैं। इतना देखते आते हैं कि नहीं। झाड़ू पकड़ता हूँ यहाँ साफ कर। यहाँ एक काम करते हैं, इसी को इस तरह उठा के यहाँ गिरा देते हैं। चलो भाई, ये ठीक हो गया। अब पाउडर छिड़काव कर देते हैं, पाउडर का। ठीक है, यार दोस्तों ये देखे वो हमारा कबूतर है। और ये पता नहीं कौन सी कबूतरी है, यही है हमारा कबूतर भी वापस आ चुका हुआ है। और ये कबूतरी पता नहीं किसकी है। तो अभी अचानक यार कुछ हुआ है, तो अभी इसको ना अंदर बेचते हैं अपने घर। ये तो आ जाएगा, ये अब हमारे घर से ही होके गया हुआ है। वो देखे यार दोस्तों, ये कबूतरी वहाँ ऊपर चढ़ गई हुई है। कबूतर तो हमारा अंदर चला गया, वो अपना अपने पुराने घर के अंदर चला गया जहाँ से वो गया था। और वहाँ कबूतरी वो देखे, वो देखे माशाल्लाह से। और चूजे भी छोड़े हुए हैं यार दोस्तों, एकदम से खुश हुआ है कि हमारे कबूतर वापस आ गए हैं। और साथ कबूतर हमारे साथ एक इनाम भी लेके आया है। तो उसको पकड़ने की अभी कोशिश कर रहे हैं। देखे ना, उसको पकड़ने की अभी कोशिश तो कर रहे हैं। दुआ करें यार दोस्तों, ये आ जाए अंदर। ये देखे यार, बस आपने दुआ करनी है कि आ जाए। बस एक दफा अंदर आ जाए। यार दोस्तों ये आ ही नहीं रहे, आपने बस दुआ करनी है कि आ जाए। ये देखें कबूतर कितने वफादार होते हैं, इतने टाइम के बाद भी ना अपने घर को नहीं भूले। ये देख, इतनी दूर से आया है, पता नहीं कहाँ हम उसको छोड़ के आए थे, वहाँ से इतनी दूर से।
यार दोस्तों, इतनी देर की मेहनत के बाद, घंटे की मेहनत के बाद ना हम इनको पकड़ के अंदर ले ही आए हैं। वो भी पकड़ के नहीं लेके आए, इस तरह ना इनको अपने घर की खुद ही पहचान हो रही थी इस वाले कबूतर को। तो ये वाला कबूतर खुद इस कबूतरी है, मेरे ख्याल से कबूतरी है, ये वाला कबूतर खुद इस कबूतरी को अंदर लेके आया है। तो यार ये तो एक मिराकल ही हो गया है। मैं आराम से अपने अंदर चूजों के साथ लगा हुआ था तो अचानक से ये देखें, कबूतरी भी आ गई और कबूतर भी हमारा वापस आ गया। इससे अच्छी यार गुड न्यूज़ और क्या हो सकती है। वो देखें इसको अपने, ये वही, इसको वही याद आ गया यार दोस्तों, ये इससे डरता था ना ब्रोन वाला। यार मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार, पता नहीं कहाँ इतनी दूर है, जिस जहाँ हमने आपको, आपने पिछली वीडियो अगर देखी हुई ना, हमने ये कबूतर देखे है तो इतनी दूर है घर इसका, तो वहाँ से उड़ के यार इतनी दूर सफ़र करके यहाँ आया हमारे घर खुद ब खुद। और अब साथ ये देखे कबूतरी भी लेके, ये नहीं क्या अकेले आया है। तो यार यानी कबूतर बहुत वफादार होते हैं, अपना पुराना घर कभी नहीं भूलते। अरे यार अब मैं क्या बताऊँ, अब मेरे पास विश्वास ही नहीं है, अब इनको वो इनके अंदर ग्राउंड भेजते हैं। ओ यार ये गटकड़े वो अभी तक नहीं भूला हुआ इसको, वो अभी भी इससे डरता है, उसको देख के पहचान गया। बनाने घर छोड़ दिया और देखे लड़ाई शुरू, जंग शुरू। और इसके लिए एक नई चीजें, दो नई चीजें आई हैं, एक ये नया आया है इसके लिए और एक वो इनका ही बच्चा, ये इनका बच्चा एक नया लगा है। माशाल्लाह माशाल्लाह यार दोस्तों, इससे अच्छी गुड न्यूज और क्या हो सकती है। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने कोई कबूतर पकड़ा है, लाइफ में फर्स्ट टाइम, एक तो हमारा अपना ही था ना, दूसरा जो नया था, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने कोई पकड़ा है। और ये देखे लड़ाइयां शुरू भाई, शुरू शुरू, ओ हो जंग शुरू हो गई जंग की। वो कह रहा था मैं यहाँ राजा बन के गया था और तूने यहाँ कुमरानी कहा था, तो फिर लड़ाई शुरू हो गई है। क्यों हो रहा है इस वक्त, ये देखिए ये कबूतर का, मुझे जैसे ये कबूतरी लगती थी लेकिन ये भी जाके उनके साथ ला रही है, अपने बाप का जाके साथ दे रही है। ओहो यार अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। वो देखे फिर अंदर गई है, देखे फिर बाहर आ गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही यार दोस्तों, इस वक्त क्या हो रहा है दोस्तों, मुझे कसम से कुछ समझ नहीं आ रही कि हमारा कबूतर इतनी दूर से वापस आ गया और वो आते सारी लड़ना शुरू हो गए। ये देखें तो खैर यार अब मैं क्या बताऊँ, बस ये कहता हूँ कि यार अच्छी बात है कि वापस आ गया, बस आपने लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना वीडियो। यार दोस्तों रूटीन की एक आम वीडियो बना रहा था लेकिन एकदम से मुझे पता चला, मैं बाहर गया दरवाज़ा एकदम से यार मैंने खोल गया, इतफाक़ा नहीं यार, मैंने सोचा यार जब अब ये खुले इस तरह ना, ये देखिए अब इनको भी बंद करना था, तो मैंने सोचा यार बाहर जाता हूँ, स्टिक को ही ढूंढ रहा था कि इनको ना इस तरह स्टिक के साथ आदत डालूँ कि ये अंदर खुद बाहर कुछ आए। स्टिक लेने के बहाने में बाहर गया हूँ यार, एकदम से मैंने क्या देखा है कि दो कबूतर यहाँ फिर रहे हैं। सबसे पहले मुझे कबूतरी नजर आई थी, मुझे लगा कि हमारा वो वाला कबूतर यहाँ बाहर आ गया। मैं बाहर हुआ तो यहाँ वो वाली कबूतरी, मुझे लगा वो वाला ब्राउन वो ही ब्लू वाला कबूतर है, तो मुझे लगा ये बाहर कैसे आया, लेकिन जब से साथ ही मैंने अपना वो वाला कबूतर देखा, मैंने कहा यार ये तो वही है जो हम वहाँ छोड़ के आए थे। तो यार पता नहीं कैसे वापस आ गए हैं ये, कितना। और आते सारे यार दोस्तों इन्होंने काम क्या किया, वो वाला कबूतर ने हमारा सबसे पहले ना इस घर के अंदर गया जहाँ इसके पहले बच्चे होते थे, यानी पहले इसका बच्चा यहीं होता था इसको, और यहीं इसका घर होता था, नीचे इसके दूसरे साथियों का होता था। और सबसे पहले ये अपने घर गया, नीचे वाले घर में अपने साथियों को ढूंढा कि अपने साथी नहीं थे, फिर मैंने कहा यहाँ से ना स्टिक पकड़ के इनको ना इस तरह लेके अंदर गया और वो से अंदर चले गए आराम से। यार दो मिनट की लड़ाई होगी तो ये तो लड़ लड़ के हल्कान हो रहे हैं, तो इनको अभी लड़ाई छुड़ा दी जाए यार, इतने लंबी लड़ाई काफ़ी नहीं है, ओ काफ़ी कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा है, बल्कि इनको अब छुड़ा देते हैं। तो इनको मैंने दलिया डाला है और ये सारी मुर्गी अब आके ना दलिया एकदम से इन्होंने सारा खा जाना है, और उनकी लड़ाई अभी भी जारी है। और यार दोस्तों आपको एक बात बताऊँ, इनमें अभी आप एक बात चेक करें, जो बड़े कबूतर है पक्के प्यारे हैं, उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा, बच्चे तो आ गए ना, बड़े कबूतर अपने घर पर मार मार के बैठे हुए हैं कि हमारे घर पर भी कोई राज करे, इसलिए वो अपने घर घर पर अपने घर की हिफाजत कर रहे हैं, हर कोई अपने घर की।
ज्यादा लड़ाई ला रहे थे, इसलिए मैंने ना इन दोनों कबूतर और कबूतरी को इधर बंद कर दिया है, ये देखें। और इन सब का तो सारा दाना पानी खाना पीना सारा कुछ हो गया, चूजों का भी हो गया है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, लेकिन मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर से शुरू कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। वक्त के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।